हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे रोमांटिक एज के जो फर्स्ट जनरेशन के पोएट हैं, विलियम वॉर्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, और उनके साथ जो थर्ड थे विलियम ब्लैक की। एस टी कॉलरिज और विलियम वॉर्सवर्थ के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आज हम विलियम ब्लैक के बारे में बात करेंगे। विलियम ब्लैक थे, इनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो इनको मैड बोलते थे, क्योंकि ये विजन्स की बात करते थे कि कभी इनको गॉड का विजन आता है, कभी एंजल्स का विजन आता है, तो इनको वो एक तरह से मैड पोएट बोलते थे। विलियम ब्लैक वॉज बोर्न ऑन 28 नवंबर 1757 इन लंदन। ही अटेंडेड स्कूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन गोट फर्दर एजुकेशन एट होम। तो ये थोड़े टाइम के लिए स्कूल गए, फिर उन्होंने घर से ही पढ़ाई की। इन द अर्ली ईयर्स ब्लैक वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई द बाइबल। तो बाइबल से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे। इट रिमेन्ड अ लाइफ टाइम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड कलर्ड इज लाइफ एंड वर्क्स विद स्पिरिचुअलिटी। तो इन जो बाइबल से इन्फ्लुएंस थे और बाइबल में जो स्टोरीज थी उनका इंस्पिरेशन उनकी पूरी लाइफ में रहा था। ब्लैक स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग विजन्स एट एन अर्ली एज। तो जब ये 4 साल के थे इनको विजन्स दिखते थे, एक तरह से सपने दिखते थे, ड्रीम्स में, कि कभी कुछ विजन दिख गया कि कोई आ रहा है, कभी गॉड दिख गए, कभी एंजल्स दिख गए, कभी किसी प्रोफेट इजेकल का विजन इनको दिख गया। जब ये 4 साल के थे तो हेनरी क्रैब ने राइट किया कि ही सॉ द हेड ऑफ गॉड अपियरिंग इन द विंडो। तो विंडो पे इनको गॉड का सिर दिखा था। ही ऑल्सो स्पोजली इन विजन द प्रोफेट इजिकल स्टैंडिंग अंडर द ट्री एंड ऑल्सो हैड बीन सीन अ ट्री फिल्ड विद एंजल्स। तो जो प्रोफेट इजिकल है वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, और एक पेड़ है जो मतलब एंजल्स से पूरा भरा हुआ है। इट वॉज दीज विजन्स दैट अफेक्ट हिज राइटिंग एंड पेंटिंग्स ही प्रोड्यूस। तो ये इंग्रेवर थे, पेंटर भी थे और राइटर भी थे। इंग्रेवर क्या होता है, किसी जैसे किसी पत्थर के ऊपर खोद के जो लिखते हैं, इमेजेस बनाते हैं या कुछ लिखते हैं बर्तन पे, या जो अर्न टाइप के मिट्टी के बर्तन होते थे उन पे, तो वो इंग्रेव करते थे। बाय द एज ऑफ 10 द आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑफ विलियम ब्लेक केम टू द फोर फ्रंट। ही अटेंडेड हेनरी पार्स ड्रॉइंग स्कूल, देयर ही लर्न टू स्केच द ह्यूमन फिगर। ही ऑल्सो अप्रेंटाइज द इनग्रेवर एट द एज ऑफ 14। तो जहाँ पे हम सीखने के लिए जाते हैं, कोई एक जगह होती है जहाँ पे हम किसी को अप्रेंटाइज का मतलब वो होता है कि किसी के पास हम सीखने के लिए जाते हैं, एक ट्यूशन टाइप का होता है, पर्टिकुलर कोई स्किल सीखते हैं। द मास्टर ऑफ ब्लैक वॉज एन इनग्रेवर टू द लंदन सोसाइटी ऑफ एंटीक्स। ही सेंट ब्लैक टू वेस्ट मिनिस्टर एबे टू ड्रॉ द मोन्यूमेंट्स एंड टॉम्स। मोन्यूमेंट पे जो पत्थर नहीं होते उनके ऊपर जो टॉम्स होते हैं, टॉम स्टोन्स होते हैं। इन दैट प्लेस हिज लव फॉर गोथिक वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ से उनका गोथिक लव शुरू हुआ था, द लव फॉर गोथिक। इन 1779 ब्लैक फिनिश्ड हिज अप्रेंटाइनशिप विद दैट कंप्राइज 7 ईयर्स। तो 7 साल के लिए ये सीख रहे थे उनसे, और 1779 में ये कंप्लीट हो गए थे। ही टर्न इन टू अ जर्नी मैन कॉपी इनग्रेवर। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स फॉर प्रिंट एंड बुक पब्लिशर। ड्यूरिंग दैट टाइम ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू मेक हिज कैरियर एज अ पेंटर। इन द सेम ईयर ही अटेंडेड द रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट स्कूल ऑफ डिजाइन। इन 1780 ही स्टार्टेड एग्जीबिटिंग हिज ओन वर्क इन द अकेडमी। इन 1783 ही पब्लिश्ड हिज पोइटिकल स्केचेज। इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स दैट ही रोट ओवर द कोर्स ऑफ 14 ईयर्स। तो इनका फर्स्ट वर्क था जो पब्लिश हुआ था। इन 1782 विलियम ब्लैक मैरिड लेडी कैथरीन सोफिया बाउचर। तो ये जो कैथरीन सोफिया थी ये अनपढ़ थी, विलियम ब्लैक ने इसको पढ़ाया था, लिखना पढ़ना सब कुछ सिखाया था, और ये काफ़ी अच्छी लेडी थी। इन्होंने अपनी मतलब डेथ तक इनको सपोर्ट किया था, हमेशा इसकी सपोर्टर रही थी वर्क को पब्लिश करवाने में। इन 1787 विलियम ब्लैक सफर्ड ग्रेटली फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज ब्रदर रॉबर्ट। एट द इंस्टेंस ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ ब्लैक इनविजन अ स्पिरिट कमिंग डाउन जॉयलेसली थ्रू द सेलिंग। द विजन एंटर्ड इन टू द माइंड ऑफ ब्लैक एंड ग्रेटली इंस्पायर्ड हिज लेटर पोएट्री। इनकी ब्रदर की डेथ हो गई थी, उससे काफ़ी अफेक्ट हो गए थे इनको, एक तरह से उनकी स्पिरिट दिखती थी इनके ब्रदर की। ब्लैक एज फर्स्ट प्रिंटेड वर्क पोएटिकल स्केचेज जो 1783 में आया था इज अ कलेक्शन ऑफ अप्रेंटाइस वर्स मोस्टली इमिटेटिंग क्लासिकल मॉडल्स। द पोम प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉर, टायरनी एंड किंग जॉर्ज थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज। ही पब्लिश्ड इज मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इन 1789 एंड फॉलोड इट 1794 द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस सबसे पहले आया था 1789 में, कलेक्शन ऑफ पोम्स था। उसके बाद सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस आया, मतलब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस दोनों को मिलकर इन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था, जिसमें सॉन्ग ऑफ इनोसेंस भी था और प्लस ऐड कर दिया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो पब्लिकेशन आया था 1794 में।
He declared in one poem, I must create a system or to be enslaved by another man's. Work such as the French Revolution, ये इनका एक वर्क है जो 1791 में आया था, अमेरिका ए प्रोफेसी 1793 में और यूरोप ए प्रोफेसी 1794 में, विजन्स ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन 1793 में आया था, एक्सप्रेस हिज ऑपोजिशन टू द इंग्लिश मोनार्की एंड टू 8th century पोलिटिकल एंड सोशल टायरनी इन जनरल, थियोलॉजिकल टायरनी इन द सब्जेक्ट ऑफ द बुक ऑफ यूरिजेन जो 1794 में आया था, इन द प्रोज वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल 1790 से 93 के बीच ही पब्लिश हुआ था, ही इज टायराइज द ओप्रेसिव अथॉरिटी ऑफ बोथ चर्च एंड स्टेट एज वेल एज द वर्क्स ऑफ इमैनुअल स्वेडनबॉर्ग अ स्वेडिश फिलोसोफर हुज आइडिया वंस अट्रैक्टेड हिज इंटरेस्ट. तो जो ये द वर्क है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इन्होंने एक मिल्टन की इस वर्क में इन्होंने मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके बारे में लिखा है कि मिल्टन वॉज अ ट्रू पोएट बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी, तो अननोइंगली तो वो ट्रू पोएट है पर उन्होंने एक तरह से डेविल को हीरो बना दिया है उस वर्क का, तो अननोइंगली वो डेविल्स की पार्टी से बिलोंग करते हैं. इन 1800 ब्लैक मूव्ड टू द सी कोस्ट टाउन ऑफ फेल्फम वेयर ही लिव्ड एंड वर्कड अंटिल 1803 अंडर द पेट्रोनेज ऑफ विलियम हेले. ही टोट हिमसेल्फ ग्रीक लैटिन हिब्रू एंड इटालियन सो दैट ही कुड रीड क्लासिकल वर्क इन दी ओरिजिनल लैंग्वेज. इन फेल्फम ब्लैक एक्सपीरियंस प्रोफाउंड स्पिरिचुअल इनसाइट्स दैट प्रिपेयर्ड हिम फॉर हिज मैच्योर वर्क द ग्रेट विजनरी एपिक राइट रिटन एंड इट्स बिटवीन अबाउट 1804 एंड 1820. मिल्टन ये भी इनका एक वर्क है जो 1804 से 8 के बीच में आया था. द फोर जाओज 1797 में आया था, उसके बाद इसको री रिटन किया आफ्टर 1800. एंड जेरूसलेम जो 1804 से 20 के बीच में आया था है नीदर ट्रेडिशनल प्लॉट कैरेक्टर राइम और मीटर दे इनविजन ए न्यू एंड हायर काइंड ऑफ इनोसेंस द ह्यूमन स्पिरिट ट्रिम्फिंग ओवर रीजन. तो अब हम बात करते हैं ये इनका ब्रीफ था इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. सबसे पहले इनका वर्क है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. तो सबसे पहले सॉन्ग ऑफ इनोसेंस आया था, कलेक्शन ऑफ पोम्स है, टू फेज में आया था और मतलब इनोसेंस को तो एक तरह से चाइल्डहुड से जोड़ा गया है और एक्सपीरियंस मतलब उसके बाद जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको दिखाया गया है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वार ओरिजिनली ए कम्प्लीट वर्क प्रिंटेड इन 1789. इट इज कंसेप्चुअल कलेक्शन ऑफ 19 पोम्स. तो इसमें क्या है इनग्रेव्ड विद आर्ट वर्क. तो इनग्रेव एक तरह से इन्होंने उसको इमेज भी बनाई है, पिक्चर भी बनाई है इन वर्क्स के साथ साथ में, इमेजेस के साथ इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी पोम्स को. द कलेक्शन मेनली शो हैप्पी इनोसेंट परसेप्शन इन पेस्टोरल हार्मनी बट एट टाइम्स सच एज इन द चिमनी स्वीपर एंड द लिटल ब्लैक बॉय सबटली शो द डेंजर्स ऑफ दिस नेव एंड वल्नरेबल स्टेट. इसमें जो चिमनी स्वीपर और द लिटिल ब्लैक बॉय है ये एक तरह से उस टाइम क्या होता था, चिमनी स्वीपर में इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसमें चिमनीज बनती थी इंडस्ट्रीज में, तो उन चिमनीज को साफ करने के लिए ये छोटे छोटे लड़के यूज होते थे, छोटे छोटे जो चाइल्ड थे वो यूज होते थे क्योंकि वो चिमनी का साइज इस तरह से था कि बड़े बच्चे उनके अंदर नहीं फिट हो सकते थे या बड़े जो अडल्ट लोग हैं वो, तो ये छोटे बच्चों से ही चिमनी साफ करवाते थे. तो वो ब्लैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि छोटे बच्चों से काम करवाना, उसी पे उन्होंने ये लिखा है द चिमनी स्वीपर द लिटिल ब्लैक बॉय. ये एक निग्रो बॉय की स्टोरी है इसके अंदर, तो वो जो स्लेवरी थी उसके भी अगेंस्ट थे. इसमें 19 पोम्स का कलेक्शन है. 19 पोम्स कौन कौन सी हैं, इंट्रोडक्शन द शेफर्ड द एकोइंग ग्रीन द लैम द टाइगर. द लैम और द टाइगर एक तरह से ये एक दूसरे से कॉन्ट्ररी हैं, तो लैम बिल्कुल इनोसेंट और टाइगर जो बिल्कुल वाइल्ड है. द लिटिल ब्लैक बॉय द ब्लॉसम द चिमनी स्वीपर द लिटिल बॉय लॉस्ट द लिटिल बॉय फाउंड लाफिंग सॉन्ग अ क्रेडल सॉन्ग द डिवाइन इमेज होली थर्सडे नाइट स्प्रिंग नर्स सॉन्ग इन्फेंट जॉय अ ड्रीम ऑन अनदर सोरो. तो ये 19 पोम्स हैं जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में आई थी, मतलब जो भी ह्यूमन का इनोसेंस का स्टेज होता है उसके बारे में बताया गया इसमें. उसके बाद आता है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है ये 26 पोम का कलेक्शन है जो सेकंड पार्ट में आया था. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एक साथ पब्लिश हुआ था ये. द पोम वर पब्लिश्ड इन 1794. सम ऑफ द पोम सच एज द लिटिल गर्ल लॉस्ट द लिटिल गर्ल फाउंड वर मूव्ड बाय ब्लैक टू सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड वर फ्रीक्वेंटली मूव्ड बिटवीन द टू बुक्स. तो ये कुछ इस तरह का वर्क है जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी है. कुछ वर्क हैं जो सेम है जैसे द टाइगर है वो उसमें भी है, इनोसेंस में भी है और एक्सपीरियंस में भी है. इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, अर्थ इज आंसर द क्लोड एंड द पेबल होली थर्सडे द लिटिल गर्ल लॉस्ट द लिटिल गर्ल फाउंड ये पहले भी आया था. चिमनी स्वीपर
नर्स सॉन्ग ये भी उसमें है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में, द सिक रोज, द फ्लाई, द एंजल, द टाइगर, द प्रिटी रोज एंड सनफ्लावर, द लिली, द गार्डन ऑफ लव, द लिटिल वॉकबॉर्न, लंदन, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, इन्फेंट सोरो, अ पॉइजन ट्री, अ लिटिल बॉय लॉस्ट, अ लिटिल गर्ल लॉस्ट, टू टीर्जा, द स्कूल बॉय, द वॉइस ऑफ एंशियंट बार्ड। इनमें डिटेल में कोई भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनके नाम पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वर्क सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में है या कौन सा वर्क सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में है, तो इसी की वजह से बस आपको इनके नाम ध्यान में होने चाहिए। अब इनका जो अगला वर्क है उसके बारे में बात करते हैं, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज अ सीरीज ऑफ टेक्स्ट रिटन इन इमिटेशन ऑफ बिब्लिकल प्रोफेसी बट एक्सप्रेसिंग ब्लैक्स ओन पर्सनल रोमांटिक एंड रेवोल्यूशनरी बिलीव्स। इट वॉज कम्पोज बिटवीन 1790 टू 1793 एंड डिस्क्राइब द पोर्ट्स विजिट टू हेल, मतलब पोइट है वो हेल में विजिट करता है, ए डिवाइस अडोप्टेड बाई ब्लैक फ्रॉम दांतेज डिवाइन कॉमेडी एंड मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। तो ये कहाँ से अडोप्ट किया इन्होंने, दांते का जो डिवाइन कॉमेडी है और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, और इसी में उन्होंने वो बताया था डेविल्स पार्टी, कि मिल्टन जो है वो अननोइंगली सैटर्न की पार्टी से बिलोंग करते हैं, डेविल की पार्टी से। द बुक इज रिटन इन प्रोज एक्सेप्ट फॉर द ओपनिंग आर्ग्यूमेंट एंड द सॉन्ग ऑफ लिबर्टी। तो सॉन्ग ऑफ लिबर्टी किस में है, सॉन्ग ऑफ लिबर्टी द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन में है, हेवन एंड हेल। द फोर जॉज वाला आर द फोर जॉज इज वन ऑफ द अनकम्प्लीटेड प्रोफेट बुक बाय ब्लैक। तो ये अनकम्प्लीट है, ये वर्क है जो अनफिनिश्ड है, विच ही स्टार्टेड इन 1797। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द बुक आर द फोर जॉज, और उनके नाम क्या हैं, यूरथोना, यूरिजेन, लुवा, थार्मस, हु वर क्रिएटेड बाय द फॉल ऑफ एल्बियोन इन ब्लैक्स माइथोलॉजी। तो एक तरह से माइथोलॉजिकल वर्क है। इट कंसिस्ट ऑफ नाइन बुक्स रेफर्ड टू एज नाइट्स विच आउटलाइन द इंटरेक्शन ऑफ द जॉज, देयर फॉलन फॉर्म एंड देयर इमनेशन। इमनेशन क्या होता है कि इनका जो ओरिजिनेट होने का सोर्स क्या है। ब्लैक इंटेंडेड द बुक टू बी अ समरी ऑफ हिज मिस्टिक यूनिवर्स बट ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द वर्क एंड एबेंडन्ड इट इन 1807। तो एक तरह से ये जो ब्लैक थे वो खुद ही अपने वर्क से सेटिस्फाई नहीं थे, तो इन्होंने बीच में ही इनको छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया था। देयर फोर द पोम इज इन रफ ड्राफ्ट एंड द इनग्रेविंग इज अनफिनिश्ड। तो विलियम ब्लैक थे वो अपनी पोम की राइटिंग के साथ साथ उनको इनग्रेव भी करते थे, तो सब कुछ ये राइटिंग भी बीच में रह गई और इनका जो इनग्रेविंग था वो भी अनफिनिश्ड रह गया। उसके बाद बात करते हैं इनके अगले वर्क की। अगला वर्क है जेरूसलेम। जेरूसलेम सब टाइटल्ड द इमनेशन ऑफ द जायंट एल्बियोन वॉज रिटन बिटवीन 1804 टू 1820 एंड इज द लास्ट लॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ब्लैक प्रोफेट बुक्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ एल्बियोन, ब्लैक्स इन बॉडीमेंट ऑफ मैन, ब्रिटेन और द वेस्टर्न वर्ल्ड एज ए होल। द फॉल ऑफ एल्बियोन, इसमें क्या होता है, ब्लैक ने एक तरह से मैन को, या फिर आप पूरे ब्रिटेन को बोल सकते हो, या पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को इन्होंने इम्बॉडीमेंट किया है। एंड इट टेक्स द फोरम ऑफ ए ड्रामा ऑफ द साइकी। ब्लैक एच दिस पोएम एंड क्रिएटेड अकम्पनिंग स्मॉल स्केचेज, मार्जिनल फिगर्स एंड ह्यूज फुल प्लेट इलुस्ट्रेशन। ही बिलीव्ड इट वॉज हिज मास्टर पीस बट ओनली सिक्स कॉपीज वर प्रिंटेड इन हिज लाइफ टाइम। द लिरिक टू द फेमस हिम जेरूसलेम नेक्स्ट बाई टेक्स्ट बाई ब्लैक विद म्यूजिक, म्यूजिक किसने दिया था, सर हुबर्ट पेरी ने, इज नॉट कनेक्टेड टू दिस पोएम। इट इज इन फैक्ट टेकन फ्रॉम द प्रीफेस टू ब्लैक्स प्रोफेटिक बुक मिल्टन। उसके बाद इनका वाक है मिल्टन। मिल्टन इज एन एपिक पोम ऑफ ब्लैक री रिटन एंड इलुस्ट्रेटेड बिटवीन 1804 टू 1810। इट्स हीरो इज जॉन मिल्टन हु रिटर्न फ्रॉम हेवन एंड यूनाइट्स विद ब्लैक टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग राइटर्स एंड देयर प्रोड्यूसर। इसमें क्या होता है, जो मिल्टन होते हैं वो हेवन से नीचे ज़मीन पे आते हैं और अब एक तरह से रिलेशनशिप बताते हैं कि इस टाइम जो लिविंग राइटर्स हैं वो कैसे हैं और जो पहले प्रीडिसेसर थे वो कैसे हैं। टू अंडरगो ए मिस्टिकल जर्नी टू करेक्ट हिज ओन स्पिरिचुअल एरर्स। तो ये कुछ राउटलेज में था जो विलियम ब्लैक के बारे में लिखा हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। राउटलेज जो बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें यूजीसी नेट से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, पढ़ने में बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप रॉटलेज को एक बार जरूर पढ़ना। ब्लैक मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन हिज पोएट्री, सम ऑफ द सिंबल्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये एक तरह से इनकी पोएट्री में सिंबल बहुत देखने को मिलता है। इनोसेंस इज सिंबलाइज्ड बाय चिल्ड्रन, फ्लावर, लैम, लैम को क्या है, इनोसेंस, फ्लावर्स हैं, चिल्ड्रन है, ये एक तरह से सिंबल है इनोसेंस के, और या फिर पर्टिकुलर सीजन्स जो होते हैं। ऑपरेशन एंड रैशनलिज्म आर सिंबलाइज्ड बाय अर्बन,
इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, बाई मशीन्स, बाई दोज इन अथॉरिटी एंड बाई सोशल इंस्टीट्यूशन, या जो टाइगर है वो भी. द सिम्बोलिज्म इज वन ऑफ हिज लेटर पोम सच एज द एपिक मिल्टन इज लेस इजी टू इंटरप्रेट. ब्लैक समटाइम्स क्रिएट्स अ माइथोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ हिज ऑन. फॉर एग्जाम्पल द जायंट लोस हु रेप्रेजेंट द ह्यूमन इमेजिनेशन इज सेट अगेंस्ट हिज ऑपोजिट यूरिजन हु रेप्रेजेंट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ब्लैक्स बेस्ट नोन सिम्बल इज दैट ऑफ द टाइगर इन हिज पोम द टाइगर. द टाइगर हैज बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाई सक्सेसिव जनरेशन बट इट इट्स बेसिक मीनिंग इज द नेचुरल एंड क्रिएटिव एनर्जी ऑफ ह्यूमन लाइफ एन इंस्पायरिंग शेप सिमिट्री विच नो वन शुड ट्राई टू कंट्रोल. टाइगर टाइगर, ये टाइगर की फेमस लाइन है, कई बार लाइन्स पूछी जाती हैं. तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट वट मॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री. इमेज ऑफ चाइल्डहुड हैव अ सेंट्रल प्लेस इन ब्लैक्स पोइट्री एंड दे डू इन द वर्क ऑफ मैनी रोमांटिक पोएट्स. ब्लैक्स मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोइट्री सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस पब्लिश्ड सेपरेटली इन, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 में आया था और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो साथ में ही पब्लिश हुआ था 1794 में. अबाउंड इन इमेज ऑफ चिल्ड्रन इन अ वर्ल्ड इन विच पीपल आर एक्सप्लॉयटेड. गुड एग्जाम्पल इज ब्लैक्स पोएम द चिमनी स्वीपर. द चिमनी स्वीपर में छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया गया. द चिल्ड्रन इन ब्लैक्स पोएट्री स्टैंड फॉर द पोएट्स डिससेटिस्फेक्शन विद सोसाइटी एंड फॉर हिज बिलीफ इन द पावर ऑफ अनकरप्टेड फीलिंग एंड इमेजिनेशन. तो एक तरह से ये जो सोसाइटी में छोटे बच्चों से आप चिमनी साफ करवाते हो उससे ये डिससेटिस्फाइड थे. थ्रू द इमेजेज ऑफ चाइल्डहुड ब्लैक ड्रामेटाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, बिटवीन नेचुरल इनोसेंस एंड द प्रेशर ऑफ सोशल एक्सपीरियंस. इन द वॉल्यूम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस सेवरल पोम्स आर रिटन इन पेयर्स कंट्रास्टिंग स्टेट्स ऑफ ह्यूमन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. तो जैसे लैम और टाइगर को इनोसेंस और एक्सपीरियंस को कंट्रास्ट किया गया है, तो जो बाद में जो इनका पब्लिकेशन आया था उसमें इसी तरह से कई सारी पोम्स हैं जिनको कंट्रास्ट में लिखा गया है. इन देम ब्लैक रिवील अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड एन एबिलिटी टू एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल साइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. Both of which are remarkably modern. Black was also conscious of the efforts on the individual of a rapidly developing industrial and commercial world. He saw the potential dangers of a mass society in which individuals were increasingly controlled by a system of organization. In his poem London, he refers to these systems as the result of mind-forged manacles. In London, even the River Thames has been चार्टर्ड, गिवन ए रॉयल चार्टर टू बी यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पज. तो लंदन पोएम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि कौन सी रिवर के बारे में बात किया गया है, तो लंदन पोएम में रिवर थेम्स के बारे में बात किया गया है. द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर सीम्स टू अंडरलाइन ए मोनोटोनस रेजिमेंटेशन नियर वेयर द चार्टर्ड थेम डज फ्लो. तो ये जो लाइन्स हैं उनकी पोएम से ली गई है, लंदन पोएम से. नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो एंड मार्क इन एवरी फेस आई meet marks of weakness, marks of woe in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind forged manacles I hear. तो बार बार इसमें क्या है, every word repeat हुआ है. The political view of London contrast with Wordsworth's sonnet composed upon Westminster Bridge 1802. इन जो विलियम ब्लैक की पोएम है लंदन और एक उन्होंने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज. उन्होंने भी लंदन के बारे में ही लिखा है इस पोएम में. इन विच द पोएट्स पर्सनल इलेशन एज द मेजेस्टी ऑफ लंदन इज रिकॉर्डेड. ब्लैक्स विजन इज सोशल वेयर वर्ड्सवर्थ इज पर्सनल. इसमें जो ब्लैक का विजन है वो एक तरह से सोशल है और वर्ड्सवर्थ का है वो पर्सनल है. विलियम ब्लैक यूजीसी नॉइड पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी और कंपटीशन है उनके लिए कंप्लीट हो गया. इसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी में से क्वेश्चन आते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.